और नयाए महात्म में अवतार उजागर आन कियो। तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो। ए पद्धत ते मत चूके रे मन भेद विभेद न जानु बियो। पर तक्षर दे गुरु अर्जन के हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, जगत दिचिक ऐसे अवतारी पुरुष ने जिन्हां दी मिसाल घट ही मिलदी है। वैसाख वदी सत 1620 बिकमी संमत धन गुरु रामदास जी महाराज दे घर माता भानी दी कुख तो गोविंदवाल साहब विच आप दा आगमन होया। ए नूरानी जोत उस थां ते ही उजागर होई। गोविंदवाल दी धरती नूं ए माण हासिल है। सहजे सहजे आप दा बचपना भी इस ढंग नाल बतीत हो रहा है कि भट्टा नूं कहना पया है कि ते जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। हे गुरु अर्जन देव जी, तुसी जन्म तो ही ब्रह्म ज्ञानी हो, जन्म तो ही ब्रह्म निष्ठ हो, जन्म तो ही ईश्वर नाल जुड़े हो। इसका एक इतिहासक सबूत भी मिलता है कि अजय आप सिर्फ एक साल दे सन ते आप धन गुरु अमरदास जी महाराज दे सिंघासन ते चढ़न दी कोशिश पे कर दे सन। हुण एक साल दे बालक दी काया 2.5 फुट उच्चा सिंघासन पूरी कोशिश करन लेकिन शरीर चढ़ ना सके। माता भानी जी बजे होया है, एकदम आप नु चुकया और आख्या लाल जी इस गद्दी ते नहीं बैठेदा, ए धन गुरु अमरदास जी महाराज दा सिंघासन है, इस ते नहीं बैठीदा। इतने च गुरु अमरदास जी महाराज आ गए। भानी दे हथों बच्चे नु बालक गुरु अर्जन देव जी नु ले सिंघासन ते बिठा के कहन लगे, एह दोहता बाणी का बहुता, ए ते बाणी दा जहाज है ते जे एही सिंघासन ते नहीं बैठेगा ते फिर कौन बैठेगा। ए भविष्यवाक ये दूर दृष्टि गुरु अमरदास जी महाराज दी सही साबित हुई। वाकई गुरु अर्जन देव जी महाराज बाणी दे बहुत और बाणी दे जहाज जगत दिच कहलाए। आप दी अजीम देन हरिमंदर ते फिर तरन तारण दा महान तीरथ ते अस्थान है। कहिंदे ने जद आपने हरिमंदर तामीर कराने दी सोची, उसारण दी सोची, ता आप दे अंदर ख्याल आया नहीं किस कोल रखाई है, बुनियादी पत्थर किस कोल रखाई है। आपने इस दी नी साई मिया मीर पासों रखाई। इस तरीके नाल वितक्रिया तो उच्ची दुनिया, भेदभाव तो उच्ची दुनिया दा सबूत आपने मुहैया कीता। हरिमंदर साहब दी नीह साईं मियां मीर ने रखी जो सिख इतिहास देच पूर्ण तौर ते उजागर है। गुरु अर्जन देव जी महाराज दी होर अजीम देन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी संपादना। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज पोथियां दे रूप दे सन। कुछ पोथियां बाबा मोहन जी पास सन गोविंदवाल साहब। कहिंदे ने बाबा बुढ़ा जी पोथियां लैण लई गए मायूस लोटे, भाई गुरु रास जी पोथियां लैण लई गए मोहन जी ने नहीं दितियां। ता नंगी पैरी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज आप चल के गए। उत्थे जिस ढंग नाल प्रभु मोहन दी अकाल पुरख मोहन दी उस्तति कीती ते आखिया मोहन तेरे
ऊंचे मंदर प्रभु दी इस उपमा नो मिठी आवाज मिठी धुनी दे राही जद सुनिया समाधि च बैठे मोहन जी दी अख खुली आप थल्ले आए चौबारा मोहन जी दा अज भी एक सुंदर यादगार दी तरह बने होया है। आपने गुरु अर्जन देव जी महाराज नु अंदर बिठाया पोथियां हवाले कीतियां लेकिन कुछ वचन भी कहे जो कवि संतोख सिंह जी महाराज ने इंज लिखे ने प्रथम हमारी वस्त लई पित पासते कुल भने अन की होती जो गुरता जासते पहले ते तुसी साडे पिता गुरु अमरदास जी महाराज दे पासों इस सिंघासन प्राप्त कर लिया थोड़े पिता ने प्राप्त कर लिया वस्तु साडी सी तुसी खो ली वस्तु ते भलियां दे कोल सी सोडियां ने खो ली प्रथम हमारी वस्त लई पित पासते कुल भनयन की होती जो गुरता जासते लाज न धारो आप अबै चल आयो सब गुरुअन के शब्द लैन हित धायो ते हुन थानू शर्म नहीं आउंदी गद्दी ते चली गई साडे कोलों हुन पोथियां लैन लई आ गए हुन सतगुरां दे बचन लैन लई जो है आ गए पर हाथ जोड़ के गुरु अर्जन देव जी महाराज बैठे रहे गुरु अमरदास जी महाराज दी पावन संतान जान के समाधि लीन पुरुष जान के मन दे सत्कार बनाई रखया निंदा उस्तत ब्याज बचन मोहन कहे बाबा मोहन जी ने ये ठीक है इंज लगदा है जिवें निंदा कीती है पर निंदा च भी उस्तति कर रहे ने कि तुसी महान निकले सौगात साडे पिता कोल सी लै गए तुसी असी योग नहीं निकले साडे कोले योग्यता नहीं सी कि असी पिता कोले प्राप्त कर दे पर तुसी लै गए थोड़े पिता लै गए सौगात साडे घर दी पै गई थोड़ी जो है झोली च इस तरह निंदा विच लिपटे होए उस्तत दे बचन बाबा मोहन जी ने कहे इन्हां पोथियां नूं अपने सिर दे उत्ते रख के गुरु अर्जन देव जी महाराज अमृतसर विच आए रामसर विच बैठ के आपने धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी जत संपादना आरंभ की थी आप बोलदे गए भाई गुरदास लिखदे गए गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी पावन बीड़ दे पहले उचारण करता गुरु अर्जन देव जी लिखारी भाई गुरदास जी कहने जिन्हां दिनां च गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी संपादना हो रही सी दूर दूर तो भगत आप जी पास आए क्योंकि देश दे च ए आम चर्चित हो गई सी गल कि सिरमौर भगत महान भगत जो इस देश दे च होए ने जिन्हां दे बचन गुरु नानक देव जी महाराज ने इकट्ठे कीते सन पहले पातशाह जी ने उन्हां नूं उस महान ग्रंथ दे च दर्ज कर रहे ने गुरु नानक दी पंजवीं आत्मा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ता आप दे जो समकाली सन भगत सूरदास इत्यादक काना जी पीलू जी छज्जू जी और इस तरीके नाल कवि जमाल हुसैन इत्यादक ए भी अपने अपने बचन कलाम लेके रामसर श्री अमृतसर साहब दे जो है पहुंचे कहने जदों तरतीब दे रहे सन उदो ही काना जी दा आगमन होया और पीलू जी दा और जमाल हुसैन दा साहब कह लगे तुसी अपने बोल सुनाओ अगर वो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर दर्ज करन दे लायक होए तां असी दर्ज करांगे तो काना जी दे ए बचन मैं ओही रे मैं ओही रे अजे पूरे वाक बोल नहीं सन ते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने चुप करा दिता आख्या चुप रह असी मैं दे चलीन नहीं होना तू दे चलीन होना असी मैं मिटानी है असी ओ साधना करनी है कि मैं मिट ही जाए मैं भुल ही जाए और तू प्रगट होवे तू ही तू रह जावे इस वास्ते इना बचना च अहंकार दी बू आउंदी है निरंकार दी सुगंधी नहीं कहंदे ने फिर छज्जू अगे आया वो कहन लगा कागज संधि पुत्री तो भी त्रिये ना निहार
यही मार ले जावई यथा बिलोचन धाड़। स्त्री अगर कागज दी भी बनी हुई है, उसकी कोई तस्वीर भी है, तो नहीं देखनी चाहिए। ये नरकां दिच ले जांदी है, ये नरक द्वारी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहन लगे, अपनी मां नू वेखदा हुंना है कि नहीं, भैण नू वेखदा है कि नहीं, आखिर वह स्वरूप भी स्त्री है, तो वह भी तेनू नरकां च सुटेगी। ये बोल भी साड़ी मत ते पूरे नहीं उतरते, रब्बी सिद्धांत ते पूरे नहीं उतरते। तो कहना पेगा, अगर ईश्वर ने स्त्री नू बनाया है, तो मनुख नू नरकां विच पाण लई बनाया है, तो ईश्वर दोषी है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इन्हां भगतां दे कलाम वापस कीते। फिर एक भगत अगे आया, वह हाथ जोड़ के बेनती करन लगा, महाराज मेरे बोल सुनो। सतगुरु कहन लगे, सुना। चुप वे अड़िया चुप, बोलन दी नहीं जा। साहिब कहन लगे, नहीं चुप नहीं रहना, जिथे लोड़ पई बोलना है, जिथे लोड़ नहीं खामोश रहना है। जब लग दुनिया रही है नानक, किच सुनिए किच कहिए, कुछ कहना है कुछ सुनना है, चुप नहीं रहना। अगर चुप ही रहना है तो दरख्त चुप ने, पत्थर चुप ने, ते फिर प्रभु ने जबान क्यों बनाई? चुप रहने लई नहीं, मौन धारण करने लई नहीं, बोलन लई बनाई है। और ओ बोलना है, उना बोलां नू प्रगट करना है जिन्हों सुन के संसार नू शांति मिले, अपने आप नू चैन मिले, प्रभु दी प्रसन्नता हासिल होवे। बोलना है, चुप नहीं रहना। कहिंदे ने बिंद्रा बन तो पहुंचे भगत सूरदास, नेत्रहीन सन, ए भी लाठी दे आसरे ते खड़े होए, वृद्ध शरीर सी। आखण लगे, हे गुरुदेव पिता, परिपूर्ण परमात्मा ने कुछ मैनू भी सौगात दिती है, और मैं वो आप दे नजराने वजो भेट करना आया। साहिब कहन लगे, सुनाओ। ये भगत जिथे महान कवि सन, उथे महान संगीतकार भी सन। दोपहर का समा सी, सारंग राग दी धुन अलापी, और वजद दिच आके इस पंक्ति दा गायन कीता। छाड़ मन हर बेमुखन को संग, ऐसे मधुर आवाज विच, ऐसे सुरीले कंठ देचा, और ऐसी लय तार विच अलाप होया, सूरदास की अपनी ही समाधि लग गई। सुनन वाले बिस्माद होए, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज भी प्रसन्न होए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज नो भगत सूरदास ते ए बोल इतने प्यारे लगे, इतने चंगे लगे, आप सोची पए ने कि सूरदास अगे वधे, पूरा वाक सुनिए ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे दर्ज करिए। इतने च लांगरी सिंह आया, हथ जोड़ के बेनती करन लगा, महाराज लंगर तैयार है, पंगता विराज गईया ने, और आप दी उड़ीक है। सतगुरुदेव जी महाराज सोचते ने, जाइए ते भगत दी तोहीन जो जुड़ गया प्रभु नाल, ते ना जाइए तो पंगता लग चुकिया ने, अन्न दी तोहीन, लंगर दी तोहीन, भगत दा भी सन्मान रह जाए, और पंगत देच भी जा बैठिए। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भाई गुरदास नु हुक्म कीता कि आप इन्हां दी एक पंक्ति ही दर्ज कर दो। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर इस भगत दी इक्को ही पंक्ति है, छाड़ मन हर बेमुखन को संग। भाई गुरदास जी ने यह पंक्ति दर्ज करके कबीर जी दा बाद दे एक शब्द चढ़ाया गया, सारंग राग दी समाप्ति हुई। तां भाई गुरदास जी कहन लगे, महाराज जगत नू किस तरह पता चलेगा, संगतां नू ए बोध किस तरह हासिल होवेगा कि ए पंक्ति भगत सूरदास जी दी है। साहिब कहन लगे, इसका सिरलेख लिखो। हुण पंक्ति लिखवाण तो बाद सिरलेख लिखवांदे ने, उपर लिखो, सारंग महला पंजवां
सूरदास। साहब कहने लगे शब्द असी उच्चारण करते हैं और शब्द सूरदास नु भेट करते हैं, उस दे नाम ते उच्चारण करते हैं ताकि उसका नाम गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज हो जाए। गुरु अर्जन देव जी की सोचनी सूरदास नु अमर करन दा जज्बा। शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज का है लेकिन उस दे च नानक शब्द नहीं है, सूरदास है। सूरदास दी उपर एक पंक्ति है, ये जगत नु पता चले कि ये एक पंक्ति सूरदास दी है, थले दा शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सूरदास नु भेट कीता है तो सिरलेख ए लिखवाया सारंग मल्ला पंजवा सूरदास। थले जो पावन वाक है ओ इंज है हर के संग बसे हर लोक तन मन अर्प सरबस सब अर्प्यो आनंद सहज धुन जोंक। श्याम सुंदर तज आन जो चाहत ज्यों कुछ टी तन जोंक सूरदास मन प्रभत लीनो दीनो एह परलोक। सूरदास दे मन नु प्रभु ने अपने हथा च लिया और परलोक दे सुख इस लोक दे च दे दिते ने। ऐसा क्यों है? सूरदास की समझ दे च एक गल आ गई है कि श्याम सुंदर तज आन जो चाहत ज्यों कुछ टी तन जोंक, प्रभु नु छड़ के किसे होर वस्तु दी वासना करनी ए ते इंज है जिवें जोंक कोड़ी दा खून पींदी है मिठा जान के ते बाद दे च तड़प तड़प के अपने प्राण गवा बैठती है, अपनी जान दे देंदी है। इस तरह भट्टां दे सोईए कबीर फरीद दे श्लोक ते फिर संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी संपादना करके आपने प्रकाश करवाया हरिमंदर साहब दे च। हुक्मनामा बाबे बुढ़े जी ने लिया, आपने सरवण कीता और उत्थे सारी संगत नू जो आपने ताकीद कीती वो ए सतगुर के शरीर हैं जो सब थान समय सब ना दर्श हैं। मेरा जड़ा शरीर है इहदे दर्शन सारी थावां ते नहीं हो सकते, मेरी काया व्यापक नहीं है। ग्रंथ रिदा गुरु को एहो जानो उत्तम है सब काल रहे हैं। गुरु दा हिरदा गुरु दी आत्मा गुरु ग्रंथ नू जानना ए हर वक्त मौजूद ने और हर थां ते मौजूद ने। शब्द बिल्कुल नाल रह सकदा है मनुख दे, गुरु मेरे संग सदा है नाल है। तो आप कहंदे ने मेरे स्वरूप ते याते हैं दीर्घ साहिब जान अदायब ते, मेरे तो वड्डा करके जानना क्योंकि मैं आप उपासक हां, मैं आप शब्द गुरु नू मत्था टेकदा। ये प्रभु दे बोल ने, परमात्मा दे बोल ने, नाजल होए ने, उतरे ने। इस तरीके दे नाल हरिमंदर साहब दे अंदर धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा आपने प्रकाश करवाया। पृथ्वी चंद मन विच अपनी ईरखा वधाई जा रहा सी, कहिंदे ने चारों पासे मसंदा दी आमद भी रोक दित्ती, संगतां दी आमद भी उसने जबरन रोकी और इस तों इलावा सुली खान नूं भी उकसाया। हालात ऐसे भी बने कि लंगर एक दिन बिल्कुल मस्ताना हो गया और कर्म जो पृथ्वी चंद दी वोटी सी कहन लगी कोई गल नहीं है ते बे औलादा गुरु अर्जन, इस सारी संपत्ति साड़ी है, इस सारा धन मान प्रतिष्ठा साड़ी है, ये है ते बे औलादा। कहने ए बोल जगत माता गंगा नू चुभे जो आप दी सुपत्नी सी गुरु अर्जन देव जी महाराज थी, इस तरह दे बोल। फिर पृथ्वी चंदा ए ईर्षालु सुभा कहंदे ने मसंदा दे राही धन लुट लिया, अन लुट लिया, वस्त्र लुट ले, साजो समग्री लुट ली और चारों पासे पैरा बिठवा दिता, कोई पहुंचे ना। हालात ऐसे बने अज दोपहर दा लंगर तैयार ही नहीं होया। जगत माता गंगा आपदी सुपत्नी ने सोचिया गुरुदेव लई ते कुछ भोजन तैयार करा, तो आपने घर टटोले है, देखे है, एक मिट्टी दे भांडे देच थोड़ा जिहा बेसन पिया सी। आपने उस दे दो प्रशादे तैयार कीते, सतगुरां दे अगों रखे
ते अगों रखदियां सार रो पईयां जारो जार। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उत्थे बोल उचारण कीते ने, रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रे संग सुख बिहार। ए सखी, रुखा भोजन है, धरती ते सोना है, पर तू रो ना। पृथ्वी चंद अन्न लुट के लै गया, धन लुट के लै गया, बस्तर लुट के लै गया, पर इना नियामतां दे देण वाला जो दाता है वो ते मेरे हिरदे च बैठा है, उसनू लुट के ते नहीं लै गया। सागर मेरे कोल है, सूरज मेरे कोल है, महाशक्ति मेरे कोल है, प्रभु मेरे कोल है, उन्हें जमीन देते ही आनंद बना दिता है, और उसने रुखे भोजन देच भी स्वाद बना दिता है, रस बना दिता है। इस तरह सबर शांति दे नमूने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने, राज सता आप तो परेशान सी। उस दे कुछ कारण, जिथे देश दे कोने कोने तो संगतां आप दे दर्शना लई आउंदियां सन, उत्थे मुस्लिम पीर फकीर भी आप दी चरण छो प्राप्त करन लई आप दे आले दुआले परिक्रमा करदे सन। साईं मियां मीर भी आप दे मुरीदां दे चों इक मुरीद सी। जमाल हुसैन भी आप दे सिखां दे चों इक सिख सी। वक्त दी हकूमत नूं इह गल चुभी, साडे रस्ते दा इक रोड़ा है, और इस दा सत, इस दी तपस्या, इस दा ज्ञान इतना उजागर हो रहे है कि सारे देश नूं प्रभावित कर रहे है। साडी सता लई किधरे खतरा ना हो जाए। दूसरे पासे सुली खां दे कन भरदा रहा पृथ्वी चंद, मौलवी कन भरदे रहे जहांगीर दे। सुलही खां अपने पूरे लाओ लश्कर समेत अमृतसर ते हमला आवर होया। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संगतां नूं एकत्रित कीता और पतवंते सजना दी राय लेनी चाही। पहला मता यह पकाया गया, प्रथमे मता जे पत्री चलाओ, ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे दर्ज है, चिट्ठी भेजो। पातशाह ने कहा नहीं। द्वितीय मता दो मानख पुछाओ, दो बंदे भेजिए, वो सुली खान नु समझान। साहब कहने लगे नहीं। तीतीय मता किछ करो उपाया, फिर महाराज असी खुद लड़ाई लई तैयार होइए, शस्त्र तैयार करिए, बस्त्र तैयार करिए, खुद लड़िए। नहीं, इस मते नु भी सतगुरां ने रद्द कर दिता। तीतीय मता किछ करो उपाया, मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। हे ईश्वर, बस तू ही मददगार है, मैं सब कुछ तेरे हवाले कीता है। रस्ते दिच घोड़ा ऐसा मछरिया, लगाम टूटी, और ए घोड़ा भज पिया भट्ठे दी तरफ, जिथे अग लगी हुई सी, इटां पक रही सन, उसे भट्ठे च ए घोड़ा गिर गया और सुलही खां गिर गया। इस तरह वो जिंदा ही जल के खाक हो गया। अमृतसर नू खाक करदिया करदिया खुद ही खाक हो गया, खुद ही मिट्टी हो गया। सता दा मुखी जहांगीर, उसने गुरु अर्जन देव जी महाराज नू सद्दा भेजिया और आख्या, इस्लाम संबंधी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे कुछ वाक ने, इन्हां नू कढ दो। तां पहले आपने भाई गुरदास जी नू भेजिया, और जिस दिन हुक्मनामा लिया गया गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा, जो जहांगीर ने सुनिया वो ते ए सी, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। इन्हां बचना नू सुन के जहांगीर चाहे प्रभावित होया, लेकिन राजनीतिक सी, सत दा इतना प्रताप वधदे होया वेख के उसनू उखियाई सी। मुर्तजा खां दे हवाले गुरु अर्जन देव जी महाराज नू कर दिता। हवेली विच गुरु अर्जन देव जी महाराज नू बंद कर दिता गया और खुलियां सजावां देण दी छोट दे दित्ती गई। चंदू ने भी अपने अंदर जो बदले दी भावना सी उसनू उजागर कीता, क्योंकि धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने चंदू दी लड़की दा रिश्ता गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज लई लैण तो इनकार कर दिता सी। इस तरह पहले आप नू तत्ती तवी ते बिठाया गया,
फिर ओवल दी देग दे उबालिया गया, फिर जिस्मां दे ए जड़े छाले ने इन्हां दे उत्ते ठंडा पानी पाण लई रावी दे खड़े करन दा सोचिया ही गया। साईं मियां मीर दी आमद होई, आपने ए हालत वेखी, रो पै। उस वक्त साहिब कहन लगे, सुन के हा सतगुरु ने मियां, छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन तप गया, मन शांत है हरि नाम से। आप रावी दे कंडे ते पहुंचे, गहरे पानी दे च आप नू लै गए। दुखियां दा ते ख्याल सी कि जले हुए पिंडे नाल जैसे ठंडा पानी छुएगा तड़पना ज्यादा होगी, तकलीफ ज्यादा होगी, पर उत्थे भी हथ जोड़ के जो साहिब कहंदे ने, सेवक की ओड़क निबही प्रीत, जीवत साहिब सेवियो अपना, चलते राख्यो जी। हे प्रभु लख लख तेरा शुक्र है, जन्म तो लेके अंत तक तेरी प्रीति निभ गई, तेरी रजा च रह, तेरे भाणे च रह। आ गया में सुख, आ गया में भूख, सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जान्यो, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे लय मान्यो। जन्म तो लेके अंत तक प्रभु मैं तेरे हुक्म नु मनिया, तेरे हुक्म दिच जीविया, और अज अंतम समय भी तेरा हुक्म मेनू मिठा लग रहा है। इस वास्ते लख लख तेरा धन्यवाद, शुकराना। भट्टा ने उपमा वजो ए वाक उचारण कीता है, जब लो ने भाग लिलार उदे, तब लो भ्रम ते फिरते बहु धायो, कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूं मिट है नहीं रे पछतायो, तत्व विचार यह मथरा, जग तारन को अवतार बनायो, जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जौन गर्भ नहीं आयो, जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जौन गर्भ नहीं आयो। इस तरीके नाल जेठ सिदी चौथ नो साहिबां दा तन पानी दे च पानी होया, और आप दा मन और आप दी आत्मा आप दी जोत धन गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज दे अंदर प्रवेश कर गई। ए शहीदी साका जेठ सिदी चौथ नू जो वापरिया, उस तों बाद सिख जगत दे च गुरु घर दे च शहीदी दी एक श्रृंखला चली। आप नू शहीदां दा सिरताज कहंदे ने, सिरमौर कहंदे ने। शांति दी आप मूर्ति, सबर दा आप मुजस्मा, ज्ञान दे आप सागर, सेवा दी मूर्ति, सेवा सिमरन दी दात वंडदियां वंडदियां, शुकराना करदियां करदियां जेठ सुदी चौथ नू आप इस ढंग दे नाल शहीदी साके द्वारा प्रभु विच लीन होए, और अपनी आत्मा नू अस्थाई रूप दे च अकाल पुरख दे च विराजमान कीता।